नमस्कार। मैं आज जो आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो हाल में ही जो सरकार ने एक नया सुझाव दिया है कि जब भी आम नागरिक अपने घर से बाहर निकलें कोई ज़रूरी वस्तु या सामान लेने के लिए, तो जैसे ही वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे या उनको जाना पड़ सकता है, जैसे कि किराने की दुकानें, दवाइयों की दुकानें, तो वो घर पे ही बना हुआ मास्क जो है वो पहन के जाएं। तो आप कैसे घर में मास्क बना सकते हैं? तो जो अभी भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप कैसे घर में जो है वो मास्क बना सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये भारत सरकार ने ये दिशा निर्देश क्यों दिए कि आप सभी जो हैं वो जहाँ पे भी आपको लगता है कि ज़्यादा लोग हो सकते हैं या ज़्यादा बीमारी फैलने के ऐसी जगह में आपको जाना पड़ सकता है जहाँ पे आपको बीमारी फैलने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो ये पाया गया है जो अभी तक दिसंबर से लेके दूसरे देशों में जो बीमारी फैली है वहाँ से जो पता लग रहा है, ऐसा निकल के आया है कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस हो पर वो उनमें जो है कोई उसके लक्षण ना हो, और वो ऐसे लोग जिनमें कोरोना वायरस है और उनमें लक्षण नहीं है वो कोरोना वायरस को बोलने पे, छींकने पे, खांसने पे जो है वो एक दूसरे को फैला सकते हैं। तो ये ऐसी जानकार निकल के आई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया के बड़े बड़े देशों के और जितने स्वास्थ्य संगठन हैं उनने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे कारगर जो तरीका है वो है कि आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कम से कम 6 फुट की या 2 मीटर की बातचीत करते समय, और जब आप ऐसे इलाके में जाएं जहाँ पे ज़्यादा लोगों के होने की संभावना है तो मुंह पे जो है वो फेस मास्क जो है वो लगा के जाएं। आपने नाम सुना होगा N95 और चीर फाड़ वाले सर्जिकल मास्क, ऐसे मास्क जो हैं वो जो अस्पताल में लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, कर्मचारी जो कोरोना से ग्रसित लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे मास्क उन लोगों को जरूरी हैं। जो साधारण पब्लिक घरों में रह रही है उनको ऐसे जो मास्क हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कृपया करके ध्यान रखें कि मास्क जो हैं वो 2 साल से कम बच्चों में अगर अपनी निगरानी में आपके पास हैं तो ही पहनाएं, और ऐसे लोगों पे ना पहनाएं जिनमें सांस लेने की तकलीफ़ हो या जो बेहोश हों या ऐसे लोग जो अपने आप पहन नहीं सकते और निकाल नहीं सकते, ऐसे लोगों में भी मास्क ज़रा ध्यान से लगाएं। और आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि जैसे ठीक है जी आपने घर पे मास्क बना लिया, कितने बनाएं, कहाँ रखें, कैसे उसको साफ रखना है, तो आप ऐसा करें कि एक से ज़्यादा मास्क बनाएं ताकि अगर आप एक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको धोने के लिए आप रखते हैं तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धोएं कैसे? आप जो है इस्तेमाल किया हुआ मास्क जो किसी बर्तन में कपड़े धोने वाले पाउडर के साथ 30 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद उसको साबुन और पानी से धो दें और फिर धूप में उसको 5 घंटे तक सुखा लें। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं जो ये मास्क आपने बनाया है इसको आप जो है पहले साबुन और पानी से धो लीजिए, उसके बाद एक प्रेशर कुकर लीजिए, प्रेशर कुकर में पानी और नमक के साथ इसको 10 मिनट के लिए उबाल लें। और फिर इसको निकालिए और हवा में सूखने के लिए टांग। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप उसकी जगह कोई दूसरा साधारण बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपने पानी और नमक डाला हो, पर तब आपने उसको 15 मिनट के लिए उबालना है और हवा में सूखने के लिए रख देना है। एक और तरीका है, आप अपने मास्क को साबुन और पानी से धो लीजिए, फिर उसको सूखने के लिए लटका दीजिए और फिर उसको जो है वो आप इस्त्री और आयरन से अच्छी तरह 5 मिनट के लिए
प्रेस कर लीजिए, गर्म कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका इसको साफ करने का। अब इसको संभाल के रखने का, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा मास्क होंगे और जब आपको बाज़ार नहीं जाना है तो आपको घर में मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके घर में कोई और बीमार नहीं है तो। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक प्लास्टिक की थैली ले सकते हैं, उसको अंदर से अच्छी तरह से साबुन से और पानी से धो लीजिए, उसको सुखा लीजिए, और जो आपके धुले हुए और साफ मास्क हैं आप उनमें उस प्लास्टिक की थैली में रख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न ये आता है कि कितनी देर तक पहनें और कब बदलें। तो ऐसा है कि आप जब बाज़ार जाएं तो उसको पहन के जाइए और जैसे ही वापस आएं आप उसको खोल के धोने के लिए रख सकते हैं, या अगर आपका मास्क इस्तेमाल करते समय मुंह के हिस्से वाला गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो आप आके उसको अगर आपने दूसरा मास्क साथ लेके गए हैं तो गंदे वाले को अच्छी तरह दूसरी प्लास्टिक की थैली में रख लीजिए और साफ वाला पहन लीजिए और आके जो है वो धो दीजिए। एक बात बताना मैं भूल गया, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो आप ये मास्क वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। अब मास्क लगाने से पहले और मास्क उतारते समय कुछ सावधानियां आप बरतेंगे। लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें और अपने चेहरे को भी साबुन और पानी से साफ कर लें। उसके बाद मास्क आप पहनिए और जो मास्क को ऊपर वाला धागा होता है या रस्सी जो साथ में बंधी होती है छोटी सी, उसको आप कान के ऊपर से सर के पीछे बांधेंगे और निचले वाले रस्सी या धागे को जो है वो आप गर्दन पे बांधेंगे और मास्क को इस तरह बांधिए कि वो आपके नाक और मुंह को अच्छी तरह ढक दे और जो उसके धागे हैं, जो रस्सियां हैं, वो अच्छी तरह बंधी हों। और मास्क जो है वो आपने कॉटन सूती कपड़े से बनाना है, कपास के कपड़े से, और उसमें एक परत नहीं होनी चाहिए कपड़े की, कम से कम दो परत वाला कपड़ा होना चाहिए, मतलब दो परतें होनी चाहिए कपड़े की, और ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो अच्छी तरह से बनाया गया हो, जिसमें बड़े बड़े छेद नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा जिसमें आप घर में बैठ के जो है वो मास्क बना सकते हैं। पहला तरीके में आपको सिलना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है वो 10 इंच लंबा और 6 इंच चौड़े दो कॉटन के कपड़े के पीस चाहिए होंगे और दो 6 इंच इलास्टिक जो कि रबड़ बैंड हो सकता है या रस्सी मिलती है पतली सी, एक धागा मिलता है इलास्टिक जैसा, वो हो सकता है। अगर ये नहीं मिले तो आप कपड़े की लंबी सी पतली सी 1 सेंटीमीटर की रस्सी भी ले सकते हैं, एक सुई और धागा, एक नापने के लिए जो है वो फीता और एक कैंची और सिलाई मशीन। तो पहले हम जो हैं वो दो अलग अलग कपड़े काट लेंगे जिसकी लंबाई 10 इंच और 6 इंच होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, लंबाई की तरफ से दोनों तरफ से जो है वो 1/4 इंच जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पहले और फिर उसके ऊपर जो है वो सिलाई मार लेंगे पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 इंच जो है वो चौड़ाई की तरफ से अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड करेंगे, पर इसमें सिलाई जो है वो अंदर की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ सिलाई नहीं करेंगे, अंदर की तरफ बाहर, क्योंकि इसको हम लोगों ने जो है वो खाली रखना है। यहाँ से हमने जो है वो हमारी जो बांधने वाली रस्सी है उसको इसको पास करना है, यहाँ से निकालना है। तो ये हम जो है वो इलास्टिक बैंड या आपके पास कपड़े की रस्सी है उसको ले सकते हैं, दोनों तरफ से ऐसे निकालेंगे। अगर वो इलास्टिक वाली रस्सी है तो उसको गांठ बांध देंगे, अगर कपड़े की रस्सी है तो उसको आप गांठ बांधने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे खुला रखेंगे और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे परतें जो हैं वो उसमें बन गई हैं। और अब जो है आप इसको धोने के बाद जो है वो साफ करने के बाद
इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका मास्क तैयार हो गया है। अब दूसरा तरीका, इसमें आपको सिलाई की जरूरत नहीं है, इसमें आपको एक पुरानी टी शर्ट चाहिए और एक कैंची चाहिए। जो पुरानी टी शर्ट होगी उसके निचले हिस्से से हम 7 से 8 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेंगे और यहाँ से भी नाप लेंगे और फिर कैंची से निचला हिस्सा काट देंगे, फिर कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 6 से 7 इंच जो है वो यहाँ तक नाप लेंगे और 1 इंच अंदर से इस तरीके से काटेंगे कि ये एक बैग की तरह बन जाए। उसके बाद हम यहाँ से काट देंगे ताकि ये बांधने के लिए हमारे रस्सी बन जाए। और आप देखेंगे कि देखिए ये वाली रस्सी जो है वो यहाँ कान से ऊपर से होते हुए यहाँ बांधी हुई है और ये वाली रस्सी जो है वो नीचे वाली जो है वो गर्दन पे बांधी हुई है। इसमें आपका आधा नाक और मुंह पूरा ढका हुआ है। तीसरा तरीका है, इसमें आपके लिए आपको बड़ा रुमाल जो आप माथे पे बांधते हैं या गले में बांधते हैं, जिसकी लंबाई कम से कम 20 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा होना चाहिए। और अगर कॉफ़ी फिल्टर, कॉफ़ी में छाननी लगी होती है एक कागज़ वाली, अगर वो छाननी कहीं पे मिलती है तो आपको वो चाहिए और उसको जो है हम इस आकार में काट लेंगे, ठीक है। फिर 20 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा कपड़े का छोटा सा पार्ट लेंगे। फिर हम इस जो कपड़ा हमारा 20 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा है उसको लेंगे और उसको आधे में से जो है वो फोल्ड कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ जैसे, और ये हो जाएगा आधा। आप देखिए फोल्ड कर दिया हमने इस तरफ को उठा के आधे में से। फिर जो फोल्ड का बन के जो ऐसे आधा हो जाएगा, इसमें जो मध्य में हम लोग जो कॉफ़ी का पेपर काट के रखा था फिल्टर पेपर, हमने उसको बीच में रख देंगे और फिर ऊपर की तरफ से दोबारा फोल्ड कर देंगे और निचली तरफ से दोबारा फोल्ड कर देंगे तो ऐसी एक पट्टी बन जाएगी लंबी। फिर हम दो रबड़ लेंगे और या जो बालों को बांधने वाले इलास्टिक होते हैं वो लेंगे। फिर हम इनको ऐसे जो है एक एक इस तरफ से डाल देंगे और एक इस तरफ से डाल देंगे और फिर 6 इंच की दूरी पे इनको रखेंगे और फिर इस तरफ से अंदर को फोल्ड कर देंगे और इस तरफ से अंदर को फोल्ड कर देंगे, ये देखिए, और ये आपका मास्क बन गया। अब आप इसको बिना सिलाई किए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी तीसरी तकनीक। अब मैं आपको जो है वो खुद बना के एक उदाहरण के तौर पे दिखाना चाहता हूँ, पर हो सकता है कि ये जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए है, पर आप इससे बढ़िया जो है वो घर में बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम घर में मास्क बना सकते हैं। तो हम 3 प्रकार के मास्क जो हैं वो घर में बैठ के बना सकते हैं। पहली तरह के मास्क के लिए हमारे को 2 कपड़े के पीसीस होंगे जिनकी लंबाई 10 इंच और 6 इंच दोनों कपड़ों की, एक कैंची, एक पेंसिल, एक नापने के लिए टेप, सुई धागा और कुछ रस्सी या स्ट्रिंग्स जिनको हम बोलते हैं, और एक सिलाई वाली मशीन। तो मेरे पास यहाँ पे सिलाई वाली मशीन नहीं है, तो हम जो है वो अभी कपड़ा लेंगे, ठीक है, 10 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा, एक कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर रख देंगे और हमने उसकी जो है वो अब एक कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर रख के जो है वो लंबाई की तरफ से जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे एक सिलाई मारेंगे मशीन से, ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है तो मैं सुई धागे का इस्तेमाल करूँगा अभी आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, इसको मैं अभी
यहाँ से एक तरफ से शुरू करूँगा और दूसरी तरफ तक जो है वो इसको मैं जो है वो सिल दूँगा। आपके घर में जो सिलाई मशीन रखी है आप उससे भी कर सकते हैं। सुई से सिलते समय जरा हाथ पैरा का ध्यान रखिएगा ताकि वो आपके हाथ में न चुभ जाए। यहाँ आखिरी तक हमारे को इसको सिलना है, उसके बाद यहाँ गांठ बांध देंगे और फिर हम इसको काट देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी कोई आधा की सेंटीमीटर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको फिर हम जो है वो सीम मशीन से सिलाई की मशीन से सिलाई कर देंगे, या फिर अभी आपको सिर्फ बताने के लिए मैं इसको अभी सुई धागे से आखिरी तक सिल दूंगा जैसे मैंने पहले वाली साइड सिली थी। ये मेरी दोनों साइड्स जो हैं वो सिल गई हैं लंबाई की तरफ से। मैं अभी इसको गांठ मार के इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा और अभी इसको काट दूंगा। अब मेरे को चौड़ाई की तरफ से भी जो है वो इसको जो है चौड़ाई की तरफ से भी फोल्ड करना है। अंदर की तरफ जो है एक परत बनानी है कोई 1 इंच की, उसी तरह दूसरी तरफ से भी 1 इंच की परत, और इसको भी मैंने सिलना है। पर मैं इसको इस तरह से सिलूंगा कि इसमें जो है वो मेरे को धागा डालने के लिए या रस्सी डालने के लिए जो है वो जगह बन जाए, और मैं इसको अंदर की तरफ से सिलूंगा ना कि बाहर की तरफ से सिलूंगा। इसी तरह दोनों तरफ से इसको सिलना है अंदर की तरफ से ताकि इसमें रस्सी डाल सके। तो अभी मैं सुई धागे का ही इस्तेमाल करूंगा इसको सिलने के लिए क्योंकि सिलाई मशीन नहीं है मेरे पास। ये मैंने सिल दिया है, अब इसको मैं गांठ मार दूंगा धागूंगा ताकि ये निकले नहीं। ये काट दिया, तो इसी तरह दूसरी तरफ सिलेंगे अंदर की तरफ 1 इंच के लिए फोल्ड करेंगे। और अब मैं इसको सुई धागे से जो है वो सिल दूंगा। अगर आपके यहाँ मशीन है तो आप सिलाई मारेंगे और उसमें जगह खाली रखेंगे ताकि जो है हम उसमें से रस्सी या धागा जो है वो निकाल सकें, या कपड़े के कोई छोटी सी या रबड़ का बैंड या इलास्टिक जो बच्चों के पजामे में डालने के काम आता है उस तरह सा कुछ जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ गांठ मार देंगे और इसको अब मैं जो है वो बंद कर दूंगा ताकि टूटे नहीं फिलहाल, और फिर काट दूंगा। और ये मेरा अभी मास्क जो है वो लगभग आगे से और ये पीछे से तैयार हो गया है। आप ध्यान रखिएगा कि सिलाई मशीन से जो है अगर आपने सिलाई मारनी है तो वो अंदर की तरफ मारे, बाहर की तरफ ना मारे, और इसमें जगह छोड़े धागा रखने के लिए रस्सी डालने के लिए। अब हम कोई ऐसी चीज लेंगे जिससे हम जो है वो रस्सी डाल सकें। मेरे पास जो है वो अभी इलास्टिक या रस्सी या नहीं है धागे की, तो मैं जैसे कि डॉक्टर हूँ और अलग-अलग जगह पे कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप अटेंड करने जाता हूँ तो वहाँ पे ये नाम का जो है वो हमारे को टैग दिया जाता है। तो मैं इन रस्सियों को जो उस टैग में लगी हैं उनको काट लूँगा और इनका इस्तेमाल जो है वो मैं करूँगा। अब इनको निकालने के लिए या तो मेरे को लंबी सुई चाहिए जिससे मैं इसको बांध के निकाल सकूँ, या सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास घरों में पड़ी होती है, या कोई और चीज़ जिससे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लूँगा, उसके अंदर इसको फंसा दूँगा और सेफ्टी पिन को इसके अंदर से धीरे 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 परे की तरफ जो है वो निकाल दूंगा। और ये मेरी एक स्ट्रिंग रस्सी जो है वो एक तरफ आ गई। अब उसी तरह दूसरी लूंगा, उसको भी इसके अंदर डालूंगा
और दूसरी तरफ से जो है वो इसको जो है वो निकाल दिया और ये अब लगभग तैयार है। मैं सेफ्टी पिन निकाल लूँगा जो मैंने रस्सी को निकालने के लिए लगाई थी और ये अब आपका मास्क छोटे साइज़ का जो है वो तैयार है। बच्चों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पर ध्यान रखिए कि 2 साल से कम बच्चों में इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनको निकालने और पहनने नहीं आएगा। आपको जो है वो रस्सियों को थोड़ा सा खींचना है ताकि इसमें से जो है वो ऐसी जो है वो परतें बन सकें, ठीक है। और जब आपका मास्क तैयार है तो पहले इसको आप धो लें और फिर सुखा लें क्योंकि ये गंदा हो सकता है, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरा छोटा लड़का है उसकी वो है कि वो चाहता है कि उसका जो छोटा सा ये टेडी है उसके लिए मैं मास्क इस्तेमाल कर लूँ, तो मैंने उसका ये टेडी लिया है और उसके ये मैंने ये मास्क बांध दिया। जो ऊपर वाली रस्सी होती है ये हमेशा कान के ऊपर से जो आपका सर होता है उसके पीछे बंधनी चाहिए और नीचे वाली जो रस्सी है वो आपकी गर्दन पे बंधनी चाहिए। तो ये हमारा पहले टाइप का मास्क जो है वो तैयार हो गया है। अब हम दूसरे टाइप का मास्क कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। दूसरे टाइप के मास्क बनाना बहुत इजी है, आसान है। इसके लिए हमारे को कोई पुरानी टी शर्ट चाहिए जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो घर में ऐसे पड़ी हुई है बच्चों की। एक कैंची चाहिए और एक जो है वो नापने वाली टेप चाहिए और एक निशान लगाने के लिए जो है पेंसिल। तो हम क्या करेंगे, साइड में से कोई 8 से 10 इंच जो है वो यहाँ पे ले लेंगे और फिर निशान लगा लेंगे ऊपर। और उसी तरह 8 से 10 इंच का निशान दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से यहाँ से लेके परे तक जो है वो सीधा हम जो है वो टी शर्ट को काट देंगे। ये टी शर्ट का जो निचला हिस्सा है हमने इसको जो है वो काट लिया है। अब हम इसकी जो है वो रस्सियाँ स्ट्रिंग्स बांधने के लिए जो है वो साइड बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इसको काटना है, पर काटने से पहले हमारे को साइड में से जो है वो इसको 1 इंच जो है वो हम 1 से 1.5 इंच तक अंदर तक नाप लें, निशान लगा लें अंदर की तरफ ऊपर से। आप देखिए मैंने 1 इंच का निशान लगाया और नीचे से भी जो है वो 1 इंच के लिए निशान लगा लें और बाहर से अंदर की तरफ जो है वो आप 7 से 8 इंच तक का निशान लगा लीजिए। अगर बड़ों के लिए बनाना है, छोटों के लिए और ज़्यादा 10 इंच तक, और नीचे भी जो है वो 7 इंच तक आप निशान लगा लेंगे, 7 से 8। और अब आप 1 इंच छोड़ के जो है वो अंदर की तरफ काटेंगे सीधा, पहले लंबी